भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से सस्पेंड हो चुके संजय सिंह मामले में हार मानते नजर नहीं आ रहे हैं। 24 दिसंबर को संजय सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। संजय सिंह ने कहा, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, हम पीएम मोदी और खेल मंत्री से बात करेंगे, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यकारी समिति के कुछ सदस्य जाकर दोनों नेताओं से अपनी बात रखेंगे। इससे पहले संजय सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह और साक्षी मलिक को लेकर कहा था, दोनों रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो कुश्ती महासंघ को शांति से चलने दे, क्योंकि कुश्ती बंद हो गई है। अपने और बृजभूषण शरण सिंह के रिश्तों को लेकर उन्होंने कहा, हम दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, हम रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। जब वो महासंघ के अध्यक्ष थे, मैं संयुक्त सचिव था, इसलिए हमारे एक दूसरे से संबंध थे। बता दें कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में हुए कुश्ती महासंघ के चुनावों को रद्द कर दिया था। इस चुनाव में संजय सिंह ने जीत हासिल की थी और संघ के अध्यक्ष बने थे। उनके अध्यक्ष बनते ही कुश्ती संघ ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को यूपी के गोंडा में आयोजित करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि संघ के इस फैसले को लेकर साक्षी मलिक ने सवाल उठाए थे। इसके बाद खेल मंत्रालय ने महासंघ को सस्पेंड कर दिया। खेल मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले में WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और ये निर्णय WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है।